एबीपीएस न्यूज सच का साथी। रामपुर के कोतवाल शाहबाद की ठकिया चौकी के ओसी गांव में तारिक खान नामक एक अधेड़ का शव मिलने से लोगों की भीड़ जमा हो गई। तारिक खान की किसी धारदार हथियार से निर्मम हत्या की गई थी। शव के पास गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस तुरंत घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची और आसपास की जगह को बहुत बारीकी से मुआयना किया और थोड़ी देर में पुलिस अधीक्षक शिव हरिमणि और अपर प्रमुख अधीक्षक सुधा सिंह भी घटना स्थल पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से हत्या का कारण जाना। वहीं मृतक तारिक के परिजनों के मुताबिक मृतक तारिक खान बीती रात डीजल लेने घर से निकला था और रात को घर नहीं आया और सुबह उसका खून से लथपथ शव जंगल में मिला। तारिक की किसी धारदार हथियार से बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या की गई है। परिजनों का कहना है कि तारिक का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था और उसी पर हत्या की आशंका है। बहरहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर डी अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ओसी नामक गांव में तारिक नामक एक 50 वर्ष का अधेड़ की हत्या हुई है। घटनास्थल विजिट कर लिया है, उसकी गला काट के हत्या हुई है। पुलिस के द्वारा घटनास्थल विजिट कर लिया है। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से एविडेंस कलेक्शन किया गया है। काफ़ी दूर तक ब्लड के स्पॉट देखे गए हैं। बाकी से जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। ये जो हत्या हुई है कौन है आपके? ये हमारे तेरे भाई हैं। कब जानकारी हुई कि इनकी हत्या हुई है? ये सुबह हुई है 7 बजे के आसपास पता चली है। क्या लग रहा है इनका? का मर्डर हुआ है, उसने भी मारा है। पुरानी रंजिश थी क्या? पुरानी रंजिश की तो पता नहीं है, लेकिन अब ये 2-3 दिन से इनका कोई घरेलू मैटर था उसमें भी कुछ हुआ है। घर परिवारिक में कुछ कैसा अनबन चल रही थी परिवार? बीवी से ही था कुछ इनका। अच्छा अच्छा, बीवी से कोई झगड़ा था? एबीपीएस न्यूज सच का साथी।